देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। इसके लिए मैंने नींबू ले लिया एक को और चीनी है। अभी देखिए मैं तीनों है। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। नींबू का ताकि थोड़ा सा खट्टा बना जाए। अब इसमें हम पानी डाल करके अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। अब इसमें इनो मिला देंगे। अब जिसमें हमको बनाना है उसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। उसको अच्छे से चारों तरफ मिला लेंगे। अब इसको हम इस बर्तन में डाल करके, मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। अब इसे हम पानी में रख देंगे। अब इसे अच्छे से कवर करके 15 मिनट तक इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ये हम चटनी बनाने जा रहे हैं ढोकला के साथ खाने के लिए। इसमें हम नारियल डाल देंगे। आप चाहे तो छिलका उतार करके इसको रोस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा, और चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, लहसुन मिर्चा हो गया और थोड़ी सी अदरक। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। उसके बाद इसको पीस लेंगे। ये देखिए ऐसा हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बंद करेंगे, पानी डाल के थोड़ा सा और इसे पतला करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का बन के तैयार है। अब इसको हम कट करेंगे। डालो इधर। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। हम थोड़ा सा राई डाल देंगे, करी पत्ता, हरी मिर्च कट करके, थोड़ा सा चीनी डाल के रख दिए। पानी डाल के इसको थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। कट कर लेते हैं, सूख गई। अब इसको हम कट कर लेंगे। रेडी हुआ है कुछ ऐसा देखने में, स्पंजी आया है इसका लुक। देखिए गर्मा गर्म ढोकला बनके हमारा रेडी हो गया है।